नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं गांव किसान। दोस्तों ये वीडियो आप YouTube के साथ साथ मेरे Facebook पेज गांव किसान पे भी देख पाएंगे। दोस्तों ऑपरेशन ग्रीन के तहत अब 3 की जगह 22 सब्जी फसलों को दिया जाएगा लाभ, साथ में ही परिवहन और भंडारण पे 50% तक का अनुदान भी दिया जाएगा। क्या है कुछ खबर बताऊंगा इस वीडियो में, शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि बेल आइकन जब प्रेस करेंगे तो मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा सबसे पहले। तो दोस्तों इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे आपको बताते हैं ऑपरेशन ग्रीन के तहत 3 की जगह 22 सब्जी फसलों को क्या कुछ दिया गया है लाभ। नमस्कार किसान भाइयों, केंद्र सरकार द्वारा ऑपरेशन ग्रीन योजना का दायरा बढ़ाए जाने के बाद सब्जी किसानों में खुशखबरी की लहर है। उनका मानना है कि अब 3 की जगह 22 सब्जियों को शामिल करने के बाद सब्जी किसानों को अधिक मुनाफा कमाने का अवसर मिलेगा। बताते चलें आपको, लॉकडाउन में सब्जी किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन योजना चलाई थी, जिसका फायदा आलू प्याज और टमाटर उत्पादकों के साथ साथ व्यापारियों को भी मिला था। यही कारण है कि इस योजना की सफलता को देखते हुए सरकार अब इनमें अन्य सब्जियों को भी शामिल करने का फैसला किया है। ऑपरेशन ग्रीन योजना को बड़े स्तर पर लॉन्च करने के साथ सरकार का लक्ष्य उत्पादन और खपत के अंतर को भी घटाना होगा। इस योजना के अंतर्गत फूड प्रोसेसिंग स्टोरेज और मार्केट इंटेलिजेंस नेटवर्क को स्थापित करने आदि का काम भी किया जाएगा। इंटेलिजेंस नेटवर्क तकनीक की मदद से डिमांड और सप्लाई के अंतर को समझने के साथ ही रियल टाइम डाटा और किसी विशेष क्षेत्र में विशेष सब्जियों की मांग को भी समझा जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सरकार उन जगहों को चिन्हित करेगी जहां पर उत्पादन और स्टोरेज बनाने की संभावना है, साथ ही उत्पादन को बाजार तथा पहुँचाने और परिवहन के लिए सब्सिडी देने पर भी सरकार काम कर रही है। बता दें कि ऑपरेशन ग्रीन के तहत सरकार ने सब्जियों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने और उनका भंडारण करने के लिए 50% का अनुदान देने का फैसला किया है। इस बारे में मार्केट विशेषज्ञों का कहना है कि कोल्ड स्टोरेज और परिवहन की व्यवस्था मिलने के बाद किसानों को अधिक सहूलियत मिलेगी। नमस्कार, धन्यवाद। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि बेल आइकन जब प्रेस करेंगे तो मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा सबसे पहले। तो दोस्तों फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।